क्वेश्चन हुए हैं अब फर्स्ट ईयर के, किसी से 4000 लिया गया है, किसी से 4500 लिया गया है और किसी से 3500, किसी से 3800। जिस कॉलेज की ऑनरी चोर हो वहाँ के बच्चे वहाँ से क्या सीखेंगे? क्लर्क होकर बताओ आगे से, कहते हम आपको किस एंगल से अंकल नजर आते हैं? अपने घर दफा हो जा, बैठ जा अपने घर, इस कॉलेज में तेरा कोई काम नहीं हैगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट कील हैदर और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मैं 47 TDA के गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने मौजूद हूँ। छुट्टी का टाइम 12 बजे था, क्योंकि आज जुम्मा है तो छुट्टी का टाइम 12 बजे था। 12:15 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जो तालबात हैं उन्होंने एहतजाजन गेट बंद किए हुए हैं। छुट्टी का टाइम गुजर जाने के बाद भी तलबा का कहना है, उनका मुतालबा है कि वो जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल है उनको स्कूल कॉलेज से बाहर नहीं आने देंगे। और ये सारा मामला क्यों हुआ? ये सारा मामला इसलिए हुआ है कि आज यहाँ का जो एक बुज़ुर्ग चपड़ासी है, काफ़ी उनकी एज है, वो बच्चियों के लिए कुछ बाहर से कैंटीन पर गए, वहाँ से कुछ सामान लिया और वो वापस लाकर जब बच्चियों को दिया, क्योंकि अंदर कैंटीन है नहीं, ये ना अहली भी नोट कर लीजिए कि अंदर कैंटीन नहीं है बच्चियों के लिए, तो वो जब सामान लेकर गया तो प्रिंसिपल ने उस जो अढ़ेर उम्र बुज़ुर्ग हैं, जो आपके बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो इन सब शहरियों के बुज़ुर्ग हैं, जो उन बच्चियों के बुज़ुर्ग हैं, उस बुज़ुर्ग से उनसे उनको कान पकड़वाए और उनसे अपने पैरों पर हाथ रखवा कर माफ़ी मंगवाई। शर्म का मकाम है, अफसोस का मकाम है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कि हमारे बुज़ुर्ग जो इतनी अढ़ेर उम्री में ये छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं उनको सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं दी जा रही है। ये बुज़ुर्ग आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। अभी तक बच्चियों ने गेट बंद रखे हुए हैं, जैसे ही बच्चियां गेट खोलेंगी हमारी कोशिश होगी कि हम टीचर्स के साथ बात कर सकें, बच्चियों के साथ बात कर सकें और यहाँ पर जो फैमिलीज़ मौजूद हैं, यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हुए हैं अपनी बच्चियों को लेने के लिए, उनसे बात कर सके ताकि जितने भी हकायक हैं आपके सामने आ सके। सर, हमारे एडमिशन हुए हैं अब फर्स्ट ईयर के, किसी से 4000 लिया गया है, किसी से 4500 लिया गया है और किसी से 3500, किसी से 3800। इस तरह क्यों हो रहा है? सबसे बराबर फीस ली जाए, सब गरीब लोग हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जब भी कोई छोटी छोटी बात होती है उन सबसे फाइन लिया जाता है। यहाँ तक इस स्कूल में जो है डेकोरेशन की कोई सहूलत नहीं है, हालांकि फिर भी मैंने ये बात, सबसे पहले तो यहाँ के क्लर्क चेंज करने चाहिए। क्लर्क को अंकल बुलाओ आगे से, कहते हम आपको किस एंगल से अंकल नजर आते हैं, बात करने की तमीज है? ये क्लर्क कहते हैं, नाज़रीन क्लर्क कहते हैं कि अगर क्लर्क को रिस्पेक्ट दी जाए, क्लर्क को अंकल या चाचू कहा जाए तो वो कहते हैं कि आपको मैं कहाँ से चाचू नज़र आता हूँ। यानी कि हमारी जो बच्चियाँ हैं इनकी इज्जतें इस चार दीवारी के अंदर भी महफूज नहीं है। जब क्लर्क के ये अल्फाज, ये ना आप अपनी बहन के लिए बर्दाश्त करेंगे ना मैं अपनी, लेकिन हमारी इन बच्चियों को ये जुमले बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। हमारी प्रिंसिपल है वो जो कॉलेज में आती ही नहीं है, हफ्ते में एक या दो दिन आती हैं और उनके हस्बैंड कॉलेज में ना आए क्योंकि वो इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं और उनका गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे आने का उनको कोई तुक नहीं पता, लेकिन वो आते हैं जो कि इलीगल है और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कैंटीन की फैसिलिटी नहीं दी कि बच्चे सारा दिन भूखे रहते हैं, अगर बाहर से कुछ मंगवाना चाहे तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स की इंसल्ट करती है और सिक्योरिटी गार्ड के लिए कोई खास रूम भी नहीं है, सारे धूप पे खड़े रहते हैं। पानी का हमारा 2 साल से मसला और है, हमारी टैंकी में डेंगे के लार्वे पाए गए, अगर कोई बच्ची एप्लीकेशन लिख के लेके जाती है उनको डराया धमकाया जाए, तुम लोग की हिम्मत कहाँ कैसे यहाँ तक आने की, और उनके घर बैड करेक्टर सर्टिफिकेट भेजने के धमकियाँ दी जाती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी हम उनके पास कोई भी अपना प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो यही बच्ची को धमकी देती है कि उनको बैड करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, या किस कॉलेज का रूल है? हर किस्म के फाइन, छोटी छोटी बात पे फाइन वसूल किए जाते हैं। इस बार जो बच्चे स्लिप लेने आया 8000 तक बच्चों से फाइन, जबकि आप जानते हैं कोई खानदान के गरीब खानदान बच्चे अपने 8000 तक पे नहीं कर सकते। पिछले माह के हमारी स्कॉलरशिप आई हुई है, अभी तक हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और हमारे लाइब्रेरी कार्ड नहीं अभी तक बने, हम लाइब्रेरी फंड देते हैं, कंप्यूटर फंड देते हैं, आज तक हम लोगों ने कंप्यूटर नहीं जाकर चलाया और पिछले साल जब हम लोग रोल नंबर स्लिप लेने के लिए आए हमसे 5000 तक उन्होंने फाइन लिया है। मैडम तो इतना फाइन किसने? सर, हम लोगों ने आज ये एहतजाज किया, 2 साल से एप्लीकेशन लिख ले, कोई रद्द अमल नहीं हो रहा, लेकिन आज हमें ये धमकियाँ दी गई हैं कि आप अपना एहतजाज खत्म कर दें वरना कल आपको डंडा से मारा जाएगा। सर, बच्चों से बहुत ज़्यादा जुर्माना लिया जाता है, रूटीन वाइज भी ले लेते हैं और फिर बाद में जब वो रोल नंबर स्लिप लेने आते हैं फिर भी 4000 8000 तक फिर भी फाइन लेते हैं। हमें ये प्रिंसिपल चेंज चाहिए, हमें इनका ट्रांसफर चाहिए, हमें कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती, हमें यहाँ पे हर बात पे फाइन किया जाता है, जो बच्चे नहीं आते कुछ छुट्टियां करती हैं, जब रोल नंबर स्लिप देती है उनसे 8000 तक फाइन लगाती है। यहाँ पे बैकग्राउंड बच्चों का ऐसा नहीं है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये कौन सा इलाम है, कौन सी प्रिंसिपल है जो हमारी वाइस प्रिंसिपल का इसने मोबाइल चोरी किया है, उन पर करेक्ट जी।
आते हैं, हम लोग इधर तालीम हासिल करने आते हैं, हमारे माँ बाप हमें ये हमारी माँ की जगह पर है, लेकिन इन्होंने आज तक माँ होने का हक अदा नहीं किया। ये उल्टा बच्चियों के करैक्टर पर उंगलियाँ उठाती हैं, ना सिर्फ इन्होंने बच्चों के करैक्टर पर उंगली उठाई, इन्होंने मैम के करैक्टर पर भी उंगली उठाई है। जिस कॉलेज की ऑनरी चोर हो वहाँ के बच्चे वहाँ से क्या सीखेंगे, आप हमें बताएंगे। सारिया बच्चिया ने दसिया, सारिया ने सामने प्रिंसीपल का जरा घर वाला वो कॉलेज चला रहा, सानू दसिया जाए पूरे इलाके में दसिया जाए कि प्रिंसीपल का घर वाला जरा वा वो कॉलेज चला रहा जा प्रिंसीपल ने चलाना। अगर घर वाला चला रहा तो कि इजाजत ना चला रहा, वो क्यों आ रहा कॉलेज के प्रिंसीपल जी कॉलेज की सरबराह कि उसका घर वाला इस जरा खुले लफ्जा के नाल दसया जा रहा दसया जाए आवाम। अगर वो प्रिंसीपल का घर वाला अज तो बाद इस कॉलेज के आया असी पूरे इलाके वाले कोई भी बच्ची कॉलेज के नहीं भेजांगे। और जेड़ा कलर्क के बारे बच्चिया ने दसिया कि कलर्क नूं अगर अंकल आख दियाँ जां चाचू आख दियाँ तो कलर्क जेड़ा उन्हां नूं झाड़ पा दिंदा भी मैनू अंकल क्यों आख दियाँ। वो कलर्क कोलों पुछा जावे कि बच्चिया तेनू अज तो बाद दस कि बच्चिया तेनू की आखन, अगर अंकल ना आखन तो होर की आखन, अगर तू अंकल नहीं अखवा सकता तो अपने घर दफा हो जा, बैठ जा अपने घर, इस कॉलेज के तेरा कोई काम नहीं हैगा, ये बच्चियाँ तेनों अंकल नहीं है, तो बाद मामू कहन गया। पिछले साल की बात है जब बच्ची हमारे दाखिल कराने आए थे ना, उस बच्ची ने दो तीन छुट्टी की तो कहती 1500 रुपया फ़ैन लेके आओ जहाँ स्कूल से चली जाओ। मैंने बच्ची को खुद 1500 रुपया फ़ैन दिया, बच्ची ने दिया दोबारा स्कूल पर आई है। मेरा नाम मोहम्मद अनवर अमीन है, सबका वाइस चेयरमैन हूँ, मौजूदा नंबरदार हूँ साथ वाले गाँव का, और इस कॉलेज काउंसिल का मेम्बर भी हूँ मैं। पिछले दिनों हमारे MPA साहब और मैं चौधरी ऐश मोहम्मद सब हम इधर इकट्ठे हुए थे, कॉलेज काउंसिल की मीटिंग हुई थी। ये जो दुपट्टों का इशू है इसके बारे में बड्डा साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने उठाया था कि हमने एक कलर के जो है ना दुपट्टे इनको बना के देने हैं, रेट वगैरह इधर तय हुआ था तो उसी रेट के हिसाब से दे रही है इनको, वो खुद भी नहीं दे रही है। एक उन्होंने लेक्चरार है जिनको जुम्मे लगाया है वो लाती हैं, वो पीको वगैरह करा के इनको देती हैं। दूसरा जो हमारी बेटियां हैं हम इनके वालदैन से भी बात करके जो इनके मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में हल हो जाएंगे। ऐसा इशू नहीं है जितना इशू बना रखा है इन लोगों ने, लेकिन मसले जो भी हैं वो आज शाम तक या कल सुबह तक हल हो जाएंगे। बच्चियों के एहतजाज और उनके मुतालबात सुनने के बाद बखर नेटवर्क की टीम ने कॉलेज प्रिंसिपल यास्मीन अंजुम का मौकफ लेने की भी कोशिश की। काफी देर की मेहनत और इंतजार के बाद प्रिंसिपल साहिबा मौकफ देने पर राजी तो हो गईं, मगर उन्होंने कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मेरा मौकफ तहरीरी शक्ल में नोट कर लें, और बखर नेटवर्क की टीम को तहरीरी मौकफ देते हुए उनका यह कहना था कि मैंने इस कॉलेज की भाग दौड़ 2017 में संभाली, मेरे आने से पहले यह कॉलेज सिर्फ दो कमरों पर मुश्तमिल था और मेरी ही मेहनत से कॉलेज की बिल्डिंग बन पाई है और तालबात के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए उनका कहना था कि 2018 में कॉलेज के हेड क्लर्क रमजान के हवाले से चंद शिकायत सामने आईं, जिनके बाद मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका ट्रांसफर किसी और कॉलेज में करवा दिया और इस वक्त वो हेड क्लर्क बहल के गर्ल्स कॉलेज में तैनात है। उनका यह भी कहना था कि एक फीमेल टीचर और नायब कासिद मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और आज का एहतजाज भी उन्हीं की शह पर किया गया। कॉलेज में तालबात को साफ पानी की सहूलत मयसर है, जबकि किसी भी तालबा को आज तक कॉलेज में खड़े गंदे पानी की वजह से डेंगू नहीं हुआ। बखर नेटवर्क की टीम के मुसलसल इसरार के बाद भी प्रिंसिपल ने अपने खिलाफ साजिशें करने वाले नायब कासिद और फीमेल टीचर का नाम नहीं बताया, जो मजीद बहुत से सवालात को जन्म देने की वजह बन सकता है। जबकि कॉलेज काउंसिल के रुकन चौधरी ऐश के मुताबिक इस एहतजाज के पीछे निकाले जाने वाला हेड क्लर्क ही है। प्रिंसिपल का यह भी कहना था कि मेरे खावंद कभी भी बगैर वजह के कॉलेज के अंदर नहीं आए, वो जब भी आए किसी न किसी काम के सिलसिले में ही आए और उनका यहाँ महीने में ज्यादा से ज्यादा एक चक्कर लगता है। कभी किसी तालबा को हद से ज्यादा जुर्माना नहीं किया गया और ना ही ये धमकी दी गई है कि तालबात को मनफी करेक्टर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कंप्यूटर स्टाफ ना होने की वजह से अब तक तालबात को कंप्यूटर लैब में जाने की इजाज़त नहीं दी। आखिर में उन्होंने गार्ड से माफ़ी मांगने के हवाले से साफ अल्फाज में कहा कि मैं हरगिज़ माफ़ी नहीं मांगूंगी। गार्ड अपनी ड्यूटी छोड़कर बाहर गया था, जिस पर उसकी सरजनिश की। गार्ड ने भी मौकफ देते हुए कहा कि मुझे सिर्फ डांटा गया, ना कि मुझसे कान पकड़वाए गए। आप देख सकते हैं कि ये बच्चियां
گو پرنسپل گو کے نعرے لگا رہی ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بکھر کے ینگسٹرز کی، بکھر کے نوجوانوں کی، بکھر کی عوام کی اسی طرح آواز بنتے رہیں، اور اسی طرح آپ کی آواز کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ کیمرہ مین نسیم راجپوت کے ساتھ شکیل حیدر، بکھر نیٹ ورک۔